Hey guys, this is Kuldeep and you're watching UPSC Library. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया की. So, can India become next manufacturing hub? क्या इंडिया अगला नया manufacturing hub बन सकता है? Because द हिंदू का ये कटआउट है. So, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर कटआउट है जो 26 अगस्त का है. So, इसके एक एडिटोरियल में आया था मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग. So, इंडिया के परस्पेक्टिव में आया था ये मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किन किन डायमेंशन पर वर्क करना होगा और चाइना इंडिया में ऐसा क्या डिफरेंस है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया से पहले बन गया और अब आफ्टर पैंडेमिक सभी कंपनीज चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलोकेट क्यों कर रही हैं और जानेंगे इस वीडियो में. और ये सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे. सो अगर आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. सो आफ्टर पैंडेमिक काफ़ी लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग जिनकी कंपनी काफ़ी कंट्रीज हैं. सो सेवरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो काफ़ी कंट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि चाइना में जो चाइना से ऑपरेट करते हैं. सो विल रिलोकेट देयर बिजनेस टू अदर डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग इंडिया. जो बाकी अदर कंट्रीज हैं और इंक्लूडिंग इंडिया वो अपनी कंपनी जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अब चाइना से रिलोकेट कर रहे हैं किसी अदर कंट्री में बिकॉज इसका ये कर रहे हैं ये आफ्टर पैंडमिक बिकॉज इस जब पैंडमिक चल रहा था कोरोना पैंडमिक तो उसकी वजह से ये चाइना सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई थी. सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बाकी कंट्रीज अपनी कंपनियाँ चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं. सो इनमें से काफ़ी कंपनी जो अमेरिकन जापानीज और साउथ कोरियन कंपनीज हैं वो जो कि चाइना बेस्ड हैं वे हैव इनिशिएट डिस्कशन विद इंडियन गवर्नमेंट. ये सब ये बाकी कंपनी जो इंडियन जापानीज साउथ कोरियन हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रही हैं और उनसे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट टू रिलोकेट देयर प्लान्स टू इंडिया. सो जो अपनी कंपनीज को इंडिया में बेस करने इंडिया में वो प्लांट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से ये सब बात कर रहे हैं. सो इसकी रीज़न क्या है? सो इसका फर्स्ट रीज़न है कि रिलेशन दैट द हैवली रिलाइंग ऑन द चाइना. सो फर्स्ट रीज़न है कि चाइना पर एक हैवली रिलाइंग होना मोस्टली काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो मोस्टली चाइना में ही है बिकॉज चाइना में वो बिल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर देते हैं चाइना को. सो मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ क्रिएट करना हो तो चाइना में काफ़ी अच्छा पड़ता है, अच्छा क्या चीप पड़ता है और वहाँ R&D ज़्यादा है. सो और इन ये सब चीज़ें इट्स नॉट अ आइडियल बिजनेस स्ट्रेटजी ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्टर्बन इन द कंट्री कॉज बाय COVID-19. सो COVID-19 की वजह से चाइना सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था उस इस वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई. सो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर असर पड़ा था. सो चाइना पर पूरे वर्ल्ड ऐसे हैवीली रिलाई नहीं हो सकता. देन द सेकेंड फियर इज़ द चाइनीज डोमिनेंस ओवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड्स. सो इस जो कि एसेंशियल इंडस्ट्री गुड हैं जो कि चाइना से मैन्युफैक्चर होते हैं. सो एक कंप्लीट डोमिनेंस हो गया चाइनीज़ का. सो अगर इफ और चाइना में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है. सो अगर इन फ्यूचर चाइना में कुछ होता है तो इससे पूरी सप्लाई चेन या पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा. स्टार्ट एंड द थर्ड रीज़न इज़ द ग्रोइंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द ऑपरेटिंग फ्रॉम डीलिंग विथ चाइना. जो चाइना के साथ डीलिंग करने बिकॉज अभी जो जियो पोलिटिकल गेम है ये जियो पोलिटिकल फॉरन रिलेशन जो है चाइना के साथ वो अभी कुछ कंट्री के साथ ठीक नहीं रहा. सो चाइना के साथ डीलिंग करना वो ठीक नहीं रहेगा. सो एंड द ट्रेड कंसर्न बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज लाइक US और चाइना और US का जो ट्रेड वॉर चल रही है सो उस वजह से चाइना पर पूरी तरह से अब वर्ल्ड वो हैवीली रिलाई नहीं हो सकता. इस वजह से काफ़ी सारी कंपनी चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिलोकेट कर रही हैं, शिफ्ट कर रहे हैं. सो कैन इंडिया सक्सीड इन अट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड जॉब फ्रॉम चाइना. तो क्या इंडिया जो चाइना से कंपनी शिफ्ट कर रही हैं तो क्या इंडिया उन चीज़ों को उन कंपनीज को या जो फार्म से या जो वहाँ से जो जॉब क्रिएट होते हैं क्या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? सो इसमें आगे देखेंगे कैसे अगर इंडिया ये सब चीज़ें कर सकता है तो कैसे कर सकता है. अगर इंडिया नहीं कर सकता तो ऐसे वो कौन सी प्रॉब्लम है जो ये सब चीज़ें करने को इंडिया को रोक रही हैं. सो इससे पहले चाइना के बारे में थोड़ा देखते हैं कि आखिर चाइना कैसे ऐसा अपना इतना मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे बना. सो इन 1980s चाइना बिगिन एज द प्रोड्यूसर ऑफ लो एंड प्रोडक्ट्स. जो लो एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं छोटे प्रोडक्ट्स जो उनकी कीमत कम होती है सो उनमें वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर बना. सो इसके बाद 2010 में इट बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड. सो 2010 तक
2010 तक चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया वर्ल्ड में, एंड और उसने यूएसए को सरपास कर दिया इस चीज में. सो यूएस इन द सरपासिंग द यूएस इन ऑल द सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम द ड्रग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स. सो जितने भी सेक्टर हैं ड्रग्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सेक्टर हैं यहाँ से लेकर, सो इन सभी चीज़ों में यूएस को सरपास करते हुए 2010 में चाइना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड बना. देन इन 2018 एज पर द यूएन डेटा के अकॉर्डिंग चाइना अकाउंटेड 28% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. सो वर्ल्ड में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होता है वो चाइना उतना पूरे वर्ल्ड का 28% उतना होल्ड करके रखता है. तो ये यहाँ से चाइना से पूरा वर्ल्ड को आउटपुट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो चाइना से 28% होता है अकॉर्डिंग टू द 2018 यूएन डेटा रिपोर्ट. सो चाइना के बारे में क्या है, चाइना जो ईस्ट एशिया कंट्री है, जो मतलब एशिया में कंट्री आती है. चाइना का जो ऑफिशियल नाम है पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, पीपल जिसको पीआरसी बोलते हैं, सो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ए कंट्री ईस्ट एशिया जो ईस्ट एशिया में आती है, एशिया की कंट्री जो कि ईस्ट एशिया के साइड में. इट इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर, और चाइना के बाद किसका नंबर आता है, इंडिया के साथ. सो चाइना फर्स्ट पर है और इंडिया सेकेंड पर है. सो कुछ सालों बाद इंडिया फर्स्ट पर आ सकती है. सो अभी इसकी कितनी पॉपुलेशन है, विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इन 2019. सो 2019 के अकॉर्डिंग 1.4 मिलियन पीपल लिव इन चाइना. सो इसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग. देन कैपिटल इसकी बीजिंग है. पॉपुलेशन बताई थी 1.4, तो टोटल हो गया 2018 का आंकड़ा. सो करेंसी इसकी रेनमिंबी भी है, युआन भी इसको बोलते हैं, युआन लेकिन उसका छोटा पार्ट है. इसको ऑफिशियली इसका ऑफिशियल नेम इसकी चाइना की करेंसी का नाम रेनमिंबी भी है. देन इसकी ऑफिशियल इसकी सिंपली चाइनीज बोलते हैं लेकिन मैंड्रिन बोला जाता है. सो अभी प्रेजेंट टाइम में एक चाइनीज युआन के अकॉर्डिंग कितना, एक चाइनीज युआन इज इक्वल टू 10.73 इंडियन रुपीज. सो इंडिया की पोजीशन अभी मैन्युफैक्चरिंग में कैसी है. सो अगेंस्ट द इंडियाज टारगेट पुलिंग अप द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी. सो जीडीपी का भी 25% जो हमने टारगेट किया वो 2022 तक 25% है. देन इट्स शेयर स्टूड 15% 2018, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 2018 में इसका भी जो जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट करता है, जो हमारी जीडीपी में शेयर करता है, उसका 15% ओनली हाफ ऑफ द चाइनीज फिगर. लेकिन जो कि जो चाइनीज फिगर की जो चाइना का अकॉर्डिंग चाइना में इसका 30% करता था. सो अभी आधा. सो इंडिया लैग्स बिहाइंड द चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग स्किल. सो चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वाइल इंडिया रैंक सिक्स. सो चाइना जो कि फर्स्ट है रैंक में, उसी के बाद चाइना जो कि फर्स्ट है उसी के बाद इंडिया रैंक सिक्स पर है. सो नेक्स्ट टू द यूरोपियन यूनियन, चाइना वॉज द लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन 2018. सो 2018 में यूरोपियन यूनियन के बाद चाइना ही लार्जर एक्सपोर्टर था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑफ विद इन 18% ऑफ द वर्ल्ड शेयर, जो जिसका वर्ल्ड शेयर कितना था 18%. सो और इंडिया के परस्पेक्टिव में देखें, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टॉप 10 एक्सपोर्टर जो कि हु अकाउंटेड फॉर द 80% ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इन 2018, जो कि 83% जो भी होल्ड करते थे सारी कंट्री में, उसमें भी वो टॉप 10 में भी नहीं आता था. सो अभी इंडिया की ये पोजीशन है मैन्युफैक्चरिंग में. तो अभी प्रॉब्लम क्या है, सो इन द लास्ट फ्यू ईयर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एम हैव अ मेटामॉर्फोसिस टू बिकम ट्रेडर्स. सो अभी जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एमएसएमई में वो जो ट्रेडर्स बनने की फेज में है. सो एक ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि अभी उस फेज में है, अभी पूरी तरह से वो ट्रेडर या बिग कंपनी जो बिग कंपनीज या लार्जेस्ट इंडस्ट्री होती है वो इस स्टेज में नहीं है. सो अभी वो बीच के स्टेज में. देन इसके बाद ड्यू टू द टफ लेबर्स, जो कि लेबर्स जो काफ़ी टफ हैं इंडिया में, देन एक्सपेंसिव क्रेडिट वो नहीं है, देन एक्सपेंसिज ऑफ द इनएडुकेट पावर्स एबिलिटी, जो पावर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमसे एबिलिटी नहीं है. सो दे फाइंड इट द मोर प्रॉफिटेबल टू द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना. सो इन सब चीज़ों की वजह से सो बाकी जो कंपनीज हैं वो चाइना से इंपोर्ट करना काफ़ी बेनिफिट समझती हैं, वो मोर प्रॉफिटेबल समझती हैं इन कंपेयर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के अकॉर्डिंग. सो ऑल अदर कंट्रीज एंड मार्केट दीज गुड्स डोमेस्टिकली. सो अगर इंडिया में वो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो ज़्यादा महंगा होगा इन कंपेयर वो चाइना से इम्पोर्ट करें तो. देन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अकाउंट्स फॉर 6.1% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी एंड 24.63% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम सर्विस एक्टिविटी. सो इसके अकॉर्डिंग ये डाटा है
सो इसमें काफ़ी सारा जो जीडीपी में जो अकाउंट ये कंट्रीब्यूशन वो काफ़ी कम है, सो उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना हो, ये एक ये मेन प्रॉब्लम दें। और इसके अलावा दे कंट्रीब्यूट टोटल 33.4%, सो इंडिया इसका जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो काफ़ी कम है। सो ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर नीड्स ए पुश एज द मेजर मार्केट लाइज हियर, सो जो मेजर मार्केट है सो इसकी वजह से अभी जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसको और ज़्यादा पुश चाहिए। तो इसके अलावा और अदर रीज़न भी लाइक डिसएडवांटेज ऑफ टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी जो इन्वायरमेंट जो इंडिया की टैक्स पॉलिसी है वो काफ़ी रिजिड है, दैन नॉन कंडसिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो एकदम रिजिड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देन हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री क्रेडिट जो इंडस्ट्री क्रेडिट को हाई कॉस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड करना वो थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देन पुअर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स है उसमें वो क्वालिटी वो काफ़ी कम है, लो ग्रेडेड इन कंपेयर चाइना या बाकी यूरोपियन कंट्रीज को देखें, देन रिजिड लेबर जो काफ़ी मेन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी जो ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की वो भी एक प्रॉब्लम, देन लो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो काफ़ी कम है, देन डिलेज इन द कंस्ट्रेंट इन द लैंड एक्विजिशन, सो इंडिया में अगर किसी कंपनीज को जो बाहर से कंपनीज आती हैं उनको अगर लैंड एक्विजिशन चाहिए या उनको लैंड प्रोवाइड करना हो सो वो इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी कंपनीज को लैंड प्रोवाइड करना, देन द इनएबिलिटी ऑफ द अट्रैक्ट, सो इन सब चीज़ों की वजह से इनएबिलिटी ऑफ द अट्रैक्ट लार्ज स्केल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब चीज़ों की वजह से वो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है वो काफ़ी कम अट्रैक्ट हो पाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो अनलेस दीज चैलेंज आर एड्रेस द ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस राइवलिंग चाइना वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज, सो मीन्स जब तक इन चैलेंज को एड्रेस नहीं करेंगे इंडिया को जो ड्रीम है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना वो पूरा नहीं होगा जैसे चाइना है, बिकॉज वहाँ ये चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल हैं। सो हाउ कैन इंडिया अचीव दिस, सो इंडिया इन सब प्रॉब्लम से कैसे टैकल करके उन चीज़ों को कैसे अचीव कर जाए, सो इंडिया नीड्स टू मेक ए मेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर नियर इट्स पोर्ट्स विच शुड लीवरेज ऑन द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सो इंडिया को जो इन पोर्ट्स के आसपास वाले एरिया में मेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों की एक लीवरेज मिलेगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, देन इसके बाद इंडिया एग्रेसिवली वर्क ऑन पॉलिसीज मैटर लाइक इंडिया को पॉलिसीज पर थोड़ा वर्क करना चाहिए जैसे लाइक लॉजिस्टिक देन कॉस्ट देन मूविंग स्टॉक बाई रोड और रेल ना लोडिंग अनलोडिंग टाइम इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं इंडिया को एग्रेसिवली वर्क करना पड़ेगा। स्टार्ट सो हाउ एवर सच ए स्ट्रेटजी वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द पॉलिसी एक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आर वेल कोऑर्डिनेट, सो इस तरह की स्ट्रेटजी और भी इफेक्टिव होगी यदि पॉलिसी एक्शन ऑफ द यदि सेंटर स्टेट दोनों कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, सो इंडिया शुड और इसके अलावा इंडिया शुड साइन ए FTA जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, सो इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ साइन करना चाहिए लाइक यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करना चाहिए बिकॉज इसकी वजह से डेट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन इन प्रोमोटिंग मार्केट एक्सेस एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी, सो अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है सो ये इंडिया को लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा और इंडिया की चीज़ों को प्रोमोटिंग होंगे और उस वहाँ की मार्केट का एक्सेस मिलेगा और उसकी वजह से काफ़ी सारी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिलेंगी, सो सेम शुड बी कंसिडर विद द US, सो ऐसी चीज़ें और ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट US के साथ भी साइन करना चाहिए। सो इसके अलावा इंडिया में जो कि मेन इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप कर रही है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सो इंडिया बिकेम ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द टू व्हीलर्स इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में टू व्हीलर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, जो उनकी अवेलेबिलिटी है काफ़ी लो कॉस्ट पर और रोबस्ट R&D सेंटर जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है टू व्हीलर्स इंडस्ट्री में एंड लो कॉस्ट ऑफ स्टील एबिलिटी, सो ये तीन चार फैक्टर की वजह से इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है और काफ़ी अच्छा इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करने, सो और इसके अलावा इंडिया हैज़ ए मैसिव टू व्हीलर कंज्यूमर बेस, सो और
और इसके अलावा इंडिया में रूरल एंड अर्बन रीजन में टू व्हीलर्स के कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा हैं एंड द टू व्हीलर्स हैव अ ग्रेट अफोर्डेबिलिटी रेट क्रिएटिंग अ ह्यूज मार्केट विद इन द कंट्री। और टू व्हीलर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, सो इट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज मार्केट विद इन कंट्री। सो इसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्री में ऐसे मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट क्रिएट करती हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओवरऑल हैज सीन लॉट्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो, सो इसी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी सारा एफडीआई इनफ्लो होता है। एंड जापान इज द वन ऑफ जो कि जापान है वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल, जो कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जापान काफ़ी एक मेजर प्लेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। सो सिमिलरली द स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, इसी के देखिला कि स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि इंडिया में सक्सेसफुली बिल्ट ए ह्यूज सप्लाई चेन ओइंग टू मैनी फैक्ट्रीज लाइक लोकेटिव। सो कि स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि इंडिया वो भी सक्सेसफुली अपनी सप्लाई को चेन बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही टू व्हीलर्स की तरह अपनी वो मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स को और डेवलप करें। सो इसके अलावा काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर जो वर्क एंड लाइक लोकेशन एडवांटेज हैं, सो कि जो लोकेशन एडवांटेज लाइक जहाँ लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया की रैंकिंग हर साल बेहतर होती जाती है। सो इस चीज़ की वजह से स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंक्रीज हो रहा है उसको और ज़्यादा। सो इन सब चीज़ों की वजह से एज दे वर गिवन लार्ज लैंड इन सदर्न इंडिया, सो जो सदर्न इंडिया में इन सब चीज़ों को लार्ज लैंड प्रोवाइड करना, सो नियर द और वो भी पोर्ट्स के पास में। सो इसी वजह से इस इंडिया में टू व्हीलर एंड प्लस स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है। सो इसमें एग्जांपल है कि हुंडई एंड मारुति सुजुकी, ये दोनों कंपनियां इंडिया में काफ़ी अच्छा वो मार्केट बेस इनका है। तो अगर इंडिया को सब चीज़ों को और ज़्यादा अचीव करना हो तो इंडिया को अभी ज़रूरत क्या है? सो इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम जो है कि इंडिया की जो R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम है। सो इंडिया के जो R&D एक्सपेंडिचर है इंडस्ट्री में वो ओनली 0.7% ऑफ GDP, सो GDP का 0.7% ही एक्सपेंडिचर होता है। सो इसको नीड टू बी इंक्रीज मल्टीफोल्ड, सो इसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है। बिकॉज अगर बाकी अदर कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो US अपनी GDP का 2.8% और चाइना 2.1% और इसराइल 4.3% अपनी GDP का R&D में खर्च करते हैं, और जो कि इंडिया सिर्फ अपनी GDP 0.7% ही खर्च करता है। सो इस चीज़ को R&D पर खर्च और इंक्रीज करना पड़ा। सो एंड रिसर्च एट एजुकेशनल लेवल हैज़ टू बी इंक्रीज, जो रिसर्च R&D है जो एजुकेशन लेवल और इंक्रीज करना पड़ेगा। जो एजुकेशन लेवल पर जो छोटी क्लास है 10-12 में रिसर्च पर थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा उनकी एजुकेशनल में। देन मोर अकेडमी एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप इज़ रिक्वायर्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सो एकेडमिया प्लस इंडस्ट्री पार्टनरशिप को की इनकी ज़रूरत है ताकि आपकी जो वेरियस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में इन सारी इनको वो हेल्प मिले। सो MSME शुड बी इंक्लूड इन द इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड गिविन मोर गवर्नमेंट सपोर्ट सच एज मार्केट फैसिलिटेशन। सो इंडिया में MSME को इंडस्ट्रियल क्लस्टर में इंक्लूड करना चाहिए और MSMEs को गवर्नमेंट को और सपोर्ट देना चाहिए और गवर्नमेंट को और सपोर्ट करना चाहिए। लाइक MSMEs को मार्केट फैसिलिटेशन ज़्यादा देना चाहिए और बूस्टिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो MSME में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस नॉर्म्स, जो भी MSME में जो भी नॉर्म्स हैं उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसी वजह से देर इज़ ए नीड टू ले फोकस ऑन द आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया को अगर आत्मनिर्भर भारत बनना होगा तो इंडिया में MSME और R&D में जो भी एक्सपेंडिचर है उन सब चीज़ों को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इसी वजह से इंडिया आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और इंडिया हैज़ मैनी चैलेंजेस इंक्लूडिंग फिजिकल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, देन स्किल गैप, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनोवेशन इकोसिस्टम, MSME। सो इंडिया के काफ़ी सारे चैलेंज हैं। सो इन विद द कोलैबोरेटिव वर्किंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट and research and then academy and then financial institution ensure digital revolution which can make India as the global manufacturing hub. So इन सब चीज़ों की collaboration की वजह से इंडिया एक manufacturing hub बन सकता है। So आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।